वेलकम टू मिस्टर इंदाम गुड फॉर्म। यहाँ पर उमर भाई इंटरव्यू ले रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र, आंध्र प्रदेश तेलंगाना राष्ट्र और हैदराबाद राष्ट्र का पब्लिक को हम दिवाली का शुभ मन है, हम बोलते हैं दिवाली का हैप्पी दिवाली हम विशेष कर रहे हैं। आज हमारा हैदराबाद या खैरताबाद ये हमारा एरिया में है, ऑल ओवर इंडिया चैंपियन बुल्स, ये जो शाहरुख बोल के बुल है और ये लवर, ये शाहरुख देखने तो ऑल ओवर इंडिया में इतनी ऊंची इतनी बड़ी कोई जूटा है नहीं, हमारी उतना बुल कोई है नहीं, हाइट में लेंथ में और वेट में भी। हम अभी सिर्फ ये दिवाली के सेलिब्रेशन के सिवा हम डेयरी डेवलपमेंट के फार्मर्स को हमारे तेलंगाना राष्ट्र में और हैदराबाद में एंकरेज करने के लिए, इसके सीमेंट द्वारा अच्छा बफेलो उत्पत्ति करने के लिए हमारा पूरी कोशिश लगी हुई है। सिर्फ हमारे दिवाली सेलिब्रेशन के सिवा हम हर डेयरी डेवलपमेंट की फार्मर को हम सीमेंट भी फ्री देना चाह रहे हैं विदाउट कास्ट। ये जो सीमेंट जो है ना हरियाणा और पंजाब राष्ट्र में एक स्ट्रा 1000 रुपीज, 1000 रुपए, 2000 रुपए वैसा बिकता, पर हमारा हैदराबाद में डेयरी डेवलपमेंट का डेवलपमेंट जरा पूर है, उसके हिसाब से अच्छा डेवलपमेंट होना, अच्छा बढ़ई बनना बोल के हमारा पूरी कोशिश है। अच्छा एक अच्छी नस्ल की मुर्रा जाति की अच्छी नस्ल की मुर्रा जाति की बुल्स यहाँ पे हैदराबाद में ला चुके हैं और हम तकरीबन यहाँ पे 10 बुल्स हमारा सुपर डेयरी फार्म और दूध वाला डेयरी फार्म के कलेक्शन में एक 10 बुल्स हम कलेक्शन करके तेलंगाना हैदराबाद में हर डेयरी डेवलपमेंट फार्मर को हम इंकरेज करने की हमारी कोशिश है। भाई ये बोलिए, मतलब इसका जो फीमेल्स रहेगा तो ये लोग साइज पर्सनालिटी में बहुत हेवी हो रही, तो इनके फीमेल्स का क्या रिजल्ट रहेगा? ये एक्चुअली इसकी नस्ल की अच्छी नस्ल की ये जो जूटा है, ये जो शाहरुख है और जो ये लवराना है, जिनका ये बाप इनका जो फादर है ना जो सुल्तान है और इनका जो फादर है ना शहनशाह है और जो शहनशाह भी हमारे सुपर डेयरी फार्म की बुल है। और तो इसका जो बच्चे छोटे बच्चे जो उत्पत्ति होते ना पैदा होते ना उसका मिल्किंग कैपेसिटी लगभग 24 किलो 25 किलो की लगभग रहती, जो 4-4 लीटर दूध देने वाले भैंस को भी उतना ही दाना खाना लगाना पड़ता और 25 लीटर दूध देने वाले भैंस को भी वही खाना लगाना पड़ता। उसकी हिसाब से हम ये फार्मर को और डेयरी डेवलपमेंट डेयरी फार्मर को क्या है एक बेनिफिट होने की के कारण में हम ऐसा हम बहुत कोशिश करके हम अच्छा पशुपालक के अब हम बुल्स पाल रहे हैं। तो लोगों ना और एक चीज से कांटेक्ट करेंगे आपसे, हम अभी लोग अभी जो आप जितने भी अपना जो वीडियो ले रहे हैं अपने सारे यूट्यूब चैनल्स या अदरवाइज मीडिया चैनल्स में हम बोल दे रहे हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहे हैं, जिसमें हैदराबाद में और तेलंगाना राष्ट्र में कौन सा भी फार्मर हमारे लिए संपर्क करना चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 9949998942 है। यादव ना थोड़ा स्लो बोलना, फिर एक बार रिपीट कर दे, हल्का बोलिए। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना हमारा 9949998942 है, हमारा जो सुपर डेयरी फार्म और दूध वाला डेयरी फार्म के सपोर्ट से कलेक्शन से हम बुल्स गैदर करके हर फार्मर को सीमेंट फ्री देना चाह रहे हैं। जो भी पशुपालक को या डेयरी फार्मर के हैदराबाद में और तेलंगाना राष्ट्र में जो भी पशुपालक को अगर सीमेंट चाहिए और अच्छी उत्पत्ति अच्छी पैदाइशी करना है, छोटे बफेले उसको अच्छी नस्ल की पैदाइशी करना है तो हमारे को ज़रूर संपर्क करें, हमारे से सीमेंट ज़रूर फ्री में लीजिए और हमारा तेलंगाना हैदराबाद राष्ट्र की डेयरी डेवलपमेंट की डेवलपमेंट अच्छी बढ़ाना चाहिए बोल के हमारा उम्मीद है। सब ये मत और इस चीज ये पूछना था, सबसे ज्यादा प्राइस कौन से बुल का था? ये सबसे ज्यादा प्राइस का बुल है, ये जो शाहरुख है 30 करोड़ रुपए का बुल है, ये 30 करोड़ का बुल है। ऑल ओवर इंडिया मेला में ये चैंपियनशिप बड़ी हुई है, ये हरियाणा का नहीं है, ये हैदराबाद का ही है, शहनशाह का बेटा हैदराबाद का सुपर डेयरी फार्म का शहनशाह का बेटा है ये जो शाहरुख। पूरे इंडिया में सबसे एक्सपेंसिव बुल ये जो शाहरुख है ना सबसे एक्सपेंसिव बुल है। और ये जो लवराना है ना ये चीज की 25 करोड़ रुपए की कीमत लगी हुई है ऑल ओवर इंडिया चैंपियनशिप में, जो अफ्रीकन जो डेयरी फार्मर जो है ना इसकी 25 करोड़ की कीमती मांगी हुई है, पर भी हम छोटे बच्चों की वजह से इसको पाले बोल के हम बेचे नहीं, तो हम इतना प्यार से इसको छोटे बच्चे से बहुत जबरदस्त तो बेचेंगे नहीं बोल के हम मना कर दिए। सब ये आप नंबर तो दे दिए, लेकिन कोई डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, आपका ऑफिस या कोई डेयरी है जहाँ के लोग मिल सके आपसे फायदा उठा सके? हमारा कांटेक्ट नंबर अभी हम आपके चैनल में दे चुके हैं, आप कभी भी डायरेक्टली डायरी पे भी आ जा सकते हैं, डायरी पे भी आ जा सकते हैं, हमारे कांटेक्ट पे आप कोई भी व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, जैसे सीवन के लिए संपर्क करने के कारण
हमारा मैसेज कीजिए तो हम हमारा डेयरी फार्म का लोकेशन डाल देंगे। सुपर डेयरी फार्म बशीराबाद क्रॉस रोड में हमारा 10 बुल रखी हुई है, लगभग हमारे पास 1000 भैंस है सुपर डेयरी में। जबरदस्त। अभी हम ये दिवाली की सेलिब्रेशन में हमारा विजय रेड्डी अक्का भी हम यहाँ है, हमारा दिवाली सेलिब्रेशन मनाने की वजह से उन्हें भी अपने साथ है, बहुत खुशी की बात है। तो यहाँ पर हैदराबाद में दिवाली हर लोग हर जनते के लोग पूरा मिलजुल के अच्छा सेलिब्रेट करते हैं। और हैदराबाद में 4 दिन जो अमीरपेट खैरताबाद और नारायणगुड़ा सदर के जितने भी पब्लिक है ना, छोटे बच्चे से आप देख रहे हैं ये वीडियो में, तो 4-5 साल के बच्चे से लेकर बड़े बड़े उम्र में बुढ़े लोग तक पूरा लोग आके शौक से फोटो लेते हैं, वीडियो में लेते हैं। और 4 दिन उन लोग घर को भी नहीं आते, ये बुल्स के लिए पीछे फिरते रहते, उतना शौक से हैदराबाद में। नहीं, आपका तैयारी भी बहुत जानदार है। ओके सर, थैंक यू सर। ये जो है सीमेंस का जो सिस्टम है, तो ये सीमेंस मतलब अगर डायरेक्ट अगर कोई प्रीप्रोडक्शन कराना चाह रहा हो तो चलेगा, नहीं सीमेंस ही लेना पड़ेगा? एक्चुअली ये जो सीमेंट प्रोडक्शन की हमारी प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल ये डायरेक्ट प्रोडक्शन की से अलग है। जो डायरेक्ट माउंटिंग से क्या होता, अलग अलग कुछ डिजीज आने का चांसेस रहता, उसीलिए हम सीमेंस ही सेफ है। सीमेंट देने के लिए भी 6 टेस्ट करना पड़ता, डोरी डेवलपमेंट जो स्टेट की डेवलपमेंट की बोर्ड रहता है उनसे 6 टेस्ट लगाना पड़ता फूल को। वो 6 टेस्ट में कुछ डिसीज नहीं है तो ही सीमेंट देने की अपने को सर्टिफिकेट मिलती है। अच्छा, अभी ये जो आप जो सीमेंट देंगे दूसरों को, तो मतलब हर ब्रीड, कौन सी भी ब्रीड भैंसों में जो भी ब्रीड रहेगी उसको देंगे या इनसे रिलेटेड कोई ब्रीड रही तो देंगे? ये जो मुर्रा नस्ल की नस्ल है, ये इसका जो अच्छा फायदा होना अच्छा बोल तो मुर्रा नस्ल की बफेलो से ही, मतलब जैसा धुलिया होती उनको नहीं देंगे? होता मगर क्रॉस ब्रीड होता वो अच्छी नस्ल की नहीं मिलती, जो वो तो मतलब आप भैंस देख के ही देंगे सीमेंस? जिनकी मर्जी उनकी, थोड़े हमारे हैदराबाद और तेलंगाना राष्ट्र में डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड पूरे है, बहुत तकरीबन उसमें आमदनी नहीं है तो भी उन लोग मेहनत करके जो बुल पालने के भी उन लोगों को उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है बुल पालने को भी, वैसे लोग अगर 10-20 भैंस ऐसे वाला बुल नहीं पाल सक रहा आज हमारे हैदराबाद में या तेलंगाना राष्ट्र में, उन लोगों को मदद करने के लिए उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम सीमेंट फ्री में देना चाहते हैं। ओके, थैंक यू ना बहुत बहुत। ये हमारे आसिम भाई है जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मुंबई से आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद के मुंबई का है मैडम।